गाइस कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। गाइस आज हम प्ले करने जा रहे हैं विच क्राइड 2। इस बार हम तीन जादुई पत्थर की मदद से दरवाजा ओपन कर विच के घर से बाहर निकल चुके थे, लेकिन अभी हम सिर्फ विच के घर से बाहर निकले हैं। हमें कोई आईडिया नहीं है हम कहां पर हैं। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हमारे साथ में क्या होता है, हम यहाँ से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। ओके गाइस, तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है द रेड हुड। जल्दी से चलते हैं अंदर। ओके गाइस, तो मैं तुम्हें आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। हम जैसे ही घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाते हैं ना, तो हमें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है ग्रेटर, और वो हमें यहाँ पर देखकर चौंक जाती है। उसे पता चल जाता है कि हम यहाँ से नहीं है, और वो हमें पूछती है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर टीवी शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी पूरी स्टोरी बताता है। और अगर तुमको भी पूरी स्टोरी नहीं पता है ना इसके साथ में क्या हुआ है, तो जाकर पिछला पार्ट देखना, तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और फिर टीवी अपनी स्टोरी बताते बताते रोने लग जाता है, और ग्रेटर को बोलता है मुझे किसी भी हालत से यहाँ से निकलना है और मुझे मेरे घर पर जाना है। और फिर ग्रेटर टीवी को बताती है कि ये दुनिया सिर्फ पांच वस्तुओं के आसपास घूमती रहती है जिसे ये बीज कहते हैं, और अगर हम वो बीज कलेक्ट कर लेंगे ना तो हम दुनिया की सारी पावर्स हासिल कर लेंगे और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर टीमी रोना बंद कर देता है, और वो बहुत ही खुश होकर पूछता है कि हम उसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर ग्रेटर बोलते हैं कि मुझे तो ये पहले इम्पोसिबल लगता था, लेकिन तुम्हारे पास में एक बीज है और तुम वो चारों भी कलेक्ट कर सकते हो। और फिर टीमी सोचते है कि मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर ग्रेटर उसे बताती है कि हम बीज के घर से जो छड़ी लाए हैं ना वो उन्हीं पांचों बीज में से एक है। और फिर ग्रेटर झाड़ी की तरफ उंगली करती है और उसे एक रास्ता बताती है, और उसे वहाँ पर जाने के लिए बोलती है, और उसे वहाँ से एक रेड हुड लाने के लिए बोलती है। और अगर टीमी रेड हुड ले आए ना तो उसके बाद में ग्रेटर हमें बताएगी हमें आगे क्या करना है। तो चलो अगर चलते हैं जल्दी से गेम के अंदर और रेड हुड लेकर आते हैं। और ये गेम पिछली बार इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि विच क्राइड इस बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो चलो चलते हैं जल्दी से रेड हुड लाने। ओके गाइस, तो हम रेड हुड फॉरेस्ट में आ चुके हैं। अबे ओ ये पीछे से कहां से आ गई, अभी तो मैं सिर्फ आया था यहां पर। अबे भाई निकलने तो देती बुढ़िया, मुझे पीछे आ गई। भाई पता नहीं ये हमारे पीछे खड़ी थी क्या। अबे मैं जिनसे अंदर आया ना मेरे पीछे पड़ चुकी है ये। हमारे पास जादू की छड़ी तो है, लेकिन गाइस डिस्चार्ज भी हो जाती है। हमारे पास में सिर्फ दो ही चांस है इसे यूज करने के लिए। एक चांस कर लेता हूँ। चलो वैसे वो बहुत पीछे रह गई यार, वो आ रही है यहाँ पर। इसके अंदर क्या है भाई, नो इसे ऊपर नहीं कर सकते हैं हम। रुक जा, तुझे मजा चकाता हूँ मैं। ये जादू की छड़ी। अबे नो भाई यार ये काम क्यों नहीं करी भाई, पिछली बार तो मैंने ऐसे ही मारा था। सिकू मार दिया क्या उसने भाई, हमारे पास में एक ही चांस है क्या। ये मम्मी कहीं पर घसीट कर ले जा रही है, इसे हम मार सकते हैं भाई। जादू की छड़ी, अबे हमारी जादू की छड़ी इसने ले ली और हमें पकड़ लिया इसने भाई। हमारा आते ही भेंट बचा दिया इसने तो। ओके गाइस, तो हम फिर से आ चुके हैं रेड हुड फॉरेस्ट में, और भाई पिछली बार तो उसने आने ही नहीं दिया था, मुझे मार दिया था। आई नीड टू फाइंड अ हुड। अभी भाई मुझे पता है हुड फाइंड करना है। यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सूखा हुआ पेड़ है, और भाई यहाँ पर एक बड़ा सा घर है और एक छोटा सा भी घर है। भाई पीछे वापस आ गए, कहाँ से आई कहाँ से आई, ये कौन है। अबे भाई मुझे लगा कोई खड़ा है वहां पर। कहां पर है बुढ़िया, आ रही है मेरे पीछे फिर से। वैसे यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर अंदर चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता है ये और यहाँ पर आ पाएगी। आ जाएगी क्या बुढ़िया, वैसे बहुत गोलू मोलू यार वो, मुझे पता था नहीं आ पाएगी वो यहाँ पर। चलो हम आगे चलकर चेक करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कैंप फायर लगा हुआ है। अरे कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है। हेलो ब्रो ब्रो कहाँ पर हो तुम, यहाँ पर तो कोई नहीं है भाई। वैसे यहाँ पर कुछ तो है, पीस ऑफ द पेंटिंग, हमें यहाँ से पेंटिंग का एक पीस मिला है। ये कहाँ पर लगाना है, जिसमें एक भेड़िया बना हुआ है। वो आगे भी रास्ता है आगे, लेकिन हम नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए हमें इसे कट करना पड़ेगा, और कट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा। अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला है। इसके अंदर हम सो सकते हैं क्या, नहीं यार इसके अंदर हम नहीं सो सकते हैं। वैसे ये वाला एरिया बहुत ही सेफ है, अगर वो पीछे पड़ेगी ना हमें बार बार नहीं पर आके छुप जाऊंगा। चली गई ना यहाँ से वो, वरना पता चला यहाँ पर कैंपिंग कर रही हो हमें धप्पा करने के लिए। ओ यार वो रही सामने, आजा आजा बुढ़िया। वो ये क्या है, इसके अंदर हमें डिग करना पड़ेगा, और डिग करने के लिए हमें सवल चाहिए होगी। कहाँ से आ रही है, हेलो कहाँ से आ रही है बुढ़िया, तू आजा ना। कहाँ चली गई भी, होश रही है भाई वो तो, लेकिन पता नहीं कहाँ पर चली गई है। इसे हम ओपन नहीं कर सकते हैं क्या, ना यार इसे हम ओपन। अबे यार क्यों ऐसा लगता है कोई खड़ा है यहाँ पर। वैसे ये क्या है, इसे नहीं यार ये तो वुड है, और यहाँ पर लिफ्ट, ये स्टोन है क्या।
वो भाई तो बहुत ही भारी है, इसे पकड़ कर हम चल भी नहीं पा रहे हैं। इसे यहीं पर फेंको यार, हम जल्दी से पेंटिंग का पीस उठाते हैं और चलते हैं आगे। आगे किधर गई है वो विच? यहाँ पर तो नहीं है, इसे ओपन कर सकते हैं हम? नो, यहाँ इसे ओपन करने के लिए हम, ओह ये क्या है इसके अंदर? नो गाइस, यहाँ पर एक की पड़ी हुई है, इसे जल्दी से उठाते हैं और इसे ओपन कर सकते हैं कैसे हम? वो गाइस इसी डोर की थी यार भाई, मैं तो ओपे। नो यार, ये बार बार कहाँ से आ जाती है पास ही में? ये क्या है, इसे भी टिक करना पड़ेगा हमें। चलो भैया आगे चलते हैं हम, वैसे एक रास्ता ऊपर भी जा रहा है, चलो वहां पर चलते हैं। इसे थोड़ा सा हम भगा भगा के थका देंगे भाई। आज आप किधर गई तू? हेलो दादी जी, ये तो बहुत स्पीड से, यहाँ पर एक सांप है, यहाँ पर एक सांप है, और बीच के पिछले पार्ट में हमने सांप से रस्सी बनाई थी, और वो जादू मुझे आता है, इसे भी मैं रस्सी बना दूंगा। लेकिन भाई ये बीच मेरा पीछा छोड़े तब बनाऊंगा ना, ये बीच तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अबे हट जा भाई बीच, भाई फिर से आ रही है भक्तियों में। हम इसके अंदर जा तो सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर भागने का रास्ता नहीं हुआ ना, तो फिर यहाँ पर छुप सकते हैं क्या? वो गाइस हम यहाँ पर छुप सकते हैं भाई, हम झाड़ियों के अंदर छुप गए। किधर गई वो, किधर गई? हेलो, अबे किधर चली गई हम यहाँ पर? यार ये रही भाई, इसे दिखाई नहीं आती है क्या? हम इसके सामने झाड़ी में छुप चुके थे, तो चलो इसे जाने देते हैं यार, थोड़ी सी दूर जाएंगे ना तभी निकलेंगे। भाई तो पिछली बार से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, पिछली बार तो इतनी खतरनाक नहीं थी, आ रही है क्या वापस? भाई ये तो वापस आ गई, इसे पता चल गया क्या हम यहाँ पर है? ये कौन से गाने गाते रहते यार ये, और ये तो यहीं पर आकर खड़े रह गई। अबे चली जाना यहाँ से, नो यार जाने का नाम ही नहीं ले रही यहाँ से, वो क्यों जा रही है यहाँ से? अबे मच्छर तू हट जाना यहाँ से। अबे वो कैसे, देखो वो जा रही है भाई, हम निकल जाए क्या? हमें इस घर के अंदर जाना है, वो भाई उधर किधर निकल रहा है यार, हमें यहाँ पर जाना था। और हमारी की कहाँ पर फेंक दी हमने भाई, हमारी की कहाँ पर फेंकी हमने? नो यार हमने डोर ओपन कर दिया था, इससे भी अंदर ले ले क्या? चलो अंदर रख देते हैं, यहाँ पर सेफ रहेगा, इससे यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से ऊपर और फाइंड करते हैं ऊपर कुछ है क्या। यहाँ पर एक डोर, वो सामने एक पेंटिंग है, और इसका आधा पार्ट नहीं है, मतलब हमें इसका आधा पार्ट लाके लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें मिल चुका है। वैसे यहाँ पर एक और डोर है, इसे भी ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ, वो सामने एक लॉक है, ब्लू पेडलॉक, इसे ओपन करने के लिए हमें ब्लू पेडलॉक की चाहिए। और इस बेंच पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, जादू की है क्या? भाई पिछली बार हमें जादू के बुक के पेज मिले थे, जिससे हमने जादू करना सीखा था। ओ ये क्या है, यहाँ से हमें क्रैंक मिल चुका है भाई साहब, हमें आइटम मिलते जा रहे हैं लगातार यहाँ से, बस वो बीच ना आ जाए। यहाँ पर डोर बंद कर सकते हैं यार, हम जल्दी से डोर बंद करते हैं और इस पेंटिंग को लेकर ऊपर चलते हैं। लेट्स गो भाई, ऊपर चलते हैं जल्दी से। वैसे हमने यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कर दिया है भाई, वो आ ना जाए ऊपर, यहाँ पर भागने का रास्ता भी नहीं है। वैसे हम इसे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ है क्या इस पेंटिंग के अंदर? किलिट, अबे भाई इसे मारना है यहाँ पर, वो कैसे यहाँ पर पेड़ पर एक एक्स बना हुआ है, चलो इसे यहाँ पर लगा देते हैं। कैसे यहाँ पर एक एक्स बना हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा आगे। चलो हम चलते हैं फिर से नीचे, विच नीचे तो नहीं है ना तू भाई? हमें वैसे इस गेम में एक ही चांस मिला था, ये हमने यहाँ पर क्रैंक रखा है, इसे उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं पर तो यूज हो ही जाएगा। कहाँ पर गई विच? अबे यार ये यहीं पर खड़ी रहती है भाई, इसे कैसे पता चल जाता है यहाँ पर है? वैसे ये क्या है भाई, ट्री तो कुछ अलग सा लग रहा है। वो इसके ऊपर हम क्लाइम कर सकते हैं इससे बचने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। आ रही है पीछे, आ रही है भाई वो। अबे यार कितनी स्पीड से भागती है ये मोटी, यहाँ से इसे एक लात मारूंगा नीचे गिर जाएगी। कैसे इसे हम एक बार और चांस ले क्या मारने का? चलो बस चांस ले ही लेते हैं, इसे यहाँ पर फेंको। और भाई मुझे पता है मैजिक कैसे करते हैं भाई, पिछली बार भी सही से किया था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ये वाला होता है ना, वाह भाई हमने मार दिया इसे। अबे हमसे पंगा ले रही थी बुढ़िया, ज्यादा बोल रही थी हमारे सामने, तो इसे तो मार दिया हमने। और यहाँ पर एक वेल है, यहाँ पर हमें एक हैंडल लाके लगाना पड़ेगा, ये लगेगा क्या क्रैंक? इसे उठाओ जल्दी से भाई, जिंदा हो चुकी है। अबे यार भाई यार ये फिर से आ चुकी है हमारे पीछे, हमें फिर से बुद्धू बनाना पड़ेगा। पिछली बार से बहुत तेज हो चुकी है ये, पिछली बार तो इतने आसानी से नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन गॉइस अभी तो बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ये वही है यार, इसकी बहन है भाई, आ रही है पीछे अभी भी। चलो हम जल्दी से चलते हैं और इसे यहाँ पर लगाते हैं भाई, वो आएगी इतनी देर में तो लगा ही देंगे हम। इसे लगाऊं यहाँ पर, और
वो वायर आ गई, हमें इसे घुमाना भी पड़ेगा, जिससे कुएं के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। चलो चलो चलते हैं, फिर से एक और राउंड लगा देते हैं यहाँ पर, हम थकने वाले थोड़ी ना है। थकेगी तो ये बुढ़िया, गाइस वो फिर से आ रही है वहां से, जैसे यहाँ पर फेंस लगे हुए ना, इसके अंदर नहीं आ पाएगी वो। ऊपर तो गुस्सा कितना तेज आ रहा है, आ रही है ना पीछे, आ रही है आ रही है। जल्दी से हम इसे घुमाते हैं, देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा। एक घुमा दो भाई, तो घुमा दिया हमने। ओ विष आ गई, एक बार और घुमाना है। अबे भाग भाग यार, भाई मार दिया उसने फिर से हमें, लेकिन हमें कुछ तो मिल चुका है। भाई तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रही यार, मैं उसे यहाँ पर कितने राउंड घुमा चुका हूँ, इसे एक बार हमें और घुमाना है। आ रही है पीछे, आ गई आ गई, वो कैसे आ चुके हैं, लेकिन ये इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अबे ये ले, ओहो गाइस इस बार तो जा चुकी है, मतलब थोड़ी देर ऐसे रहेगी, और यहाँ से हमें बकेट मिल चुकी है। तो चलो जल्दी से इसे उठाते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से। वापस से जिंदा हो गई क्या? और यहाँ पर एक सांप भी है जिसके पास में कुछ तो पड़ा हुआ है, इस बकेट का यूज तो मुझे नहीं पता है, वो फिर से आ चुकी है। हमें इस बकेट को ले जाकर कहाँ पर रखना है भाई? चलो यहीं पर रख देते हैं। यहाँ पर क्या है ये? यहाँ पर नेल से इसे रिमूव करने के लिए हमें क्रोबार या हैमर लाना पड़ेगा, और मुझे अभी तक दोनों में से कुछ भी नहीं मिला है। हम इस सांप के पास में देखते हैं इसके पास में क्या है। भाई आ रही है क्या पीछे? नो नो, मुझे तो नहीं दिख रही है, अभी वो जा चुकी है क्या? गाइस मुझे नहीं दिख रही है। जल्दी से सांप को रस्सी बनाते हैं। ये ले, अभी भाई कौन सा जादू था ये वाला तो जादू था यार, पिछली बार तो हो गया था। ये ले, यही था ना? अबे भाई वो हमारे पास में बुक है यार, इसमें हम देख सकते हैं। भाई मैं भूल चुका हूँ ये वाला, नो यार मैं उल्टा कर रहा था इसीलिए नहीं हुआ। चलो लास्ट बार ट्राई करते हैं। ये ले, वो गाइस बना दिया हमने इसे रस्सी, जल्दी से उठाते हैं क्या ये? ओके गाइस हमें यहाँ से सीजर मिल चुकी है, और हमें वहां पर कुछ झाड़ियां कट करनी थी जिससे हम इसे कर सकते हैं। भाई सामने से विच जा रही है यार, हेलो विच इधर आजा। चलो गाइस हम इधर से निकलते हैं, नो यार हमें उधर ही जाना है, मैं वो सामने ना मिल जाए। सामने है क्या? नो सामने है वो, यहाँ से हम जा सकते हैं क्या? नो यार इसे ओपन नहीं कर सकते, अंदर से बंद है, इसे ओपन करने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से जंप नहीं लगा सकते क्या भाई? नो यार फिर से देख लिया उसने, ये फालतू में मेरा टाइम वेस्ट करती रहती है, हमें फिर से भागना पड़ेगा। लेकिन कैसे एक अच्छी बात है, हम जहाँ पर जाने वाले ना ये वहाँ पर नहीं आ पाएगी, तो हम इससे बच सकते हैं यार। हेलो विच मुझे पकड़ के बता, इधर आ जा। मैं ज्यादा मजे नहीं लेती यार इसके, ये पकड़ भी सकती है, बहुत ही खतरनाक बुढ़िया है ये। चलो चलो जल्दी से झुक जाओ भाई, अंदर घुस जा, आ जा आ जा। हेलो विच आ जा अंदर आ जा। अबे अंदर आना डर गई क्या? नहीं आ पाए भाई, वैसे यहाँ पर आते हैं ना अलग ही साउंड आने लग जाती है, कभी कौवे की आती है कभी आउल की आती है। इसे जल्दी से कट करते हैं, और इसे भी कट करो, और ये लास्ट वाला भी कट करो, और चलते हैं आगे। भाई यहाँ पर ये वो कौवों को भगाने वाला पुतला है, इसके अंदर हेड भी पहनी हुई है, इसी हेड को हम ले सकते हैं क्या? नो यार हेड को हम नहीं ले सकते हैं। वो गाइस सामने क्रोबार है, जल्दी से इसे उठाते हैं और चलते हैं बाहर, इसे ओपन कर सकते हैं ना हम। यहाँ पर भी नेट्स लगे हुए, वो इसे ओपन कर दिया है हमने। और गाइस वो भाई फिर इसके पीछे गया था अभी तो मैं, और वो वहीं पर जा रही है जहाँ पर हमें जाना है। अबे भाई इसे पता कैसे चल जाता है यार? आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा, तो मुझे वैसे भी वहीं पर जाना था, और हमें फिर से इसे एक राउंड लगवाना पड़ेगा। अबे भाई यार पागल कर देगी ये मुझे भगा भगा कर, भाई मेरा सारा वेट कम करवा देगी ये तो, इतनी पागल बुढ़िया है ना भाई, ग्रेनी भी इतना नहीं भगाती है जितना ये भगा रही है मुझे आज। आ रही है कहाँ पर हम नेल ओपन कर सकते हैं क्या? चलो गाइस वो आती है तब तक नेल ओपन कर देते हैं। फर्स्ट वाला तो हो चुका है, सेकेंड वाला भी ओपन करो, फिर पीछे से आके थप्पा ना कर दे। और इसके अंदर से हमें वो सवाल मिल चुकी है हमें, जिससे हम वो टिक कर सकते हैं। गाइस वो कहाँ से देखा, कहाँ से देखा? वहीं से देख ले यार, बहुत दूर से देख लेती है ये, जहाँ तक मैं नहीं देख सकता ना वहाँ से भी देख लेती है ये। यहीं कहीं पर था वो टिक करने के लिए, नो यहाँ पर था वो बड़ा वाला ढेर सा, ये मिट्टी का ढेर, इसे हमें जल्दी से टिक करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके अंदर से हमें ब्लू की मिल ही जाएगी, जो कि वहाँ ऊपर लगेगी। कुछ नहीं मिला बे, मैं कुछ तो दे देती यार। नो गाइस इसके अंदर से हमें कुछ मिलता नहीं है, ये तो रास्ता था यहाँ पर अंदर आने के लिए, क्योंकि हम गेट ओपन नहीं कर पा रहे थे ना। यहाँ पर एक स्टोन पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम गेट ओपन नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर कुछ हैंगिंग करने के लिए है, इसके ऊपर हम कुछ हैंग कर सकते हैं। हम हाथ से खींच रहे इसे,
वो कैसे हम हाथ से खींच रहे हैं इसे, लेकिन ये उठ नहीं रहा है। भाई क्या सिस्टम है, वो यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है, और अगर हम यहाँ पर किसी भारी सी चीज को यहाँ पर टांगेंगे ना, तो भाई फिर ये ऊपर उठ जाएगा और इसके अंदर से हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वो वैसे हमें एक बकेट मिली थी ना, चलो कोई बकेट लेकर आते हैं जल्दी से। बकेट को यहाँ पर लटकाएंगे और फिर उसके अंदर हम कुछ डाल देंगे ना, तो भारी हो जाएगी और फिर हम वो स्टोन हटा पाएंगे वहां से। विच कहाँ पर है भाई, पहले की तरह उसके पीछे ना चला जाऊं मैं। हेलो विच, विच विच किधर है तू विच? गाइस वो रही विच वहां पर। जल्दी से बकेट को उठाते हैं और चलते हैं आगे। हम यहाँ से भी जा सकते हैं ना यार, हमने ये वाला भी रास्ता किस लिए ओपन किया था भाई? अभी हमारे पास दो दो रास्ते हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए, मतलब इससे बच के भागने के लिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक गुड़िया ही है भाई। गिरेनी विरेनी को तो ये फेल कर देगी, पर यहाँ पर आकर जो साउंड आता है ना, मजे ही आ जाते हैं यार। चलते हैं जल्दी से अंदर, और इसके अंदर हमें रखना क्या है? चलो इसे यहाँ पर लटका देते हैं, और इसके अंदर हमें स्टोन रखना है क्या? वो यहाँ से हमें एक स्टोन मिला, इसे रख सकते हैं। वो बहुत ही भारी है ये, मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ इसे, लेकिन ये पत्थर अभी भी पूरा ऊपर नहीं उठा है। हम इसके अंदर नहीं जा सकते अभी भी, हमें एक और पत्थर ला के रखना पड़ेगा। और भाई ये बार बार डरा रहा है मुझे यहाँ पर। विच कहाँ पर है? विच तो नहीं है ना, इधर पीछे धप्पा कर देगी। और अगर हम स्टोन को उठाते हैं ना भाई, हम बहुत ही स्लो हो जाते हैं। देखो ये इतने भारी जो है, हम इसे उठाकर चल ही नहीं पाते हैं यहाँ पर। इस दरवाजे को वापस से बंद करो भाई, वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। और इसे यहाँ पर रखते हैं, ये नीचे तो हो चुका है। अब उठा क्या पत्थर? भूखा से उठ चुका है, इसके अंदर हम जा सकते हैं। चलो गाइस चलते हैं इसके नीचे, देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। हम नीचे तो आ चुके हैं, और यहाँ पर एक और पेडलॉक भाई, यहाँ पर रेड पेडलॉक है। और गाइस सामने रेड रूट पड़ी हुई है, और इसे ओपन करने के लिए हमें रेड पेडलॉक को ओपन करना पड़ेगा, और रेड पेडलॉक को ओपन करने के लिए हमें रेड पेडलॉक की चाहिए। भाई पता नहीं वो कहाँ पर मिलेगी। चलो चलते हैं फिर से ऊपर। विच की आवाज आ रही है मुझे, है क्या यहाँ पर? हेलो विच, वैसे यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं हम। चलो भाई यहाँ पर जाकर देखते हैं इसके ऊपर क्या है। लेट्स गो, यहाँ पर कुछ है क्या? वो गाइस यहाँ से हमें कुछ मिला है नॉलेज, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो वही ब्लू वाला पौधा है जो वह घर के पास में लगा हुआ था, जिसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं और हम इससे बड़ा कर सकते हैं। ओके गाइस हमारे पास में एक और मैजिक अनलॉक हो चुका है, हम उस पौधे को बड़ा कर सकते हैं, जिससे हम उसके ऊपर चढ़कर घर के ऊपर जा सकते हैं। ओके गाइस तो हमें एक और हिंट मिल चुका है, अभी नीचे कैसे जाना है? चलो चलते हैं नीचे, और जल्दी से जाकर उस पौधे को बड़ा करते हैं। अभी नीचे जाना, बीच आ जाएगी वो ना यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक गुड़िया है वो। और ये मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, कहाँ पर था वो पौधा वैसे? कहाँ पर था? ओके गाइस ये रहा सामने ही, और बीच की आवाज आ रही है मुझे यहाँ पर। वो मैजिक कौन सा था वैसे, मैं भूल चुका हूँ कौन सा वाला मैजिक था भाई। ओके उल्टा यू बनाना है मैं यहाँ पर। ये ले, हुआ क्या कुछ? ओके गाइस यू बढ़ रहा है और छत तक पहुंच चुका है। चलो हम भी चलते हैं इसके ऊपर भाई, यार छत के ऊपर से तो हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ये खा सकते हैं हम क्या? हाय बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे, यहाँ पर कुछ खाने का ही नहीं मिला। हम पहले उस बीच से भाग कर यहाँ पर आए, और अब यहाँ से भी भाग रहे हम उस रेल हुड के पीछे। भाई वो लड़की हमारी मदद नहीं कर सकती थी क्या? यहाँ पर वो, यहाँ पर कुछ ग्लो हो रहा है, क्या है ये मैप? ये हमें एक और मैप मिला। ओके गाइस तो हमें यहाँ से एक मैप मिला है, चलो देखते हैं। दो बार राइट, एक बार लेफ्ट, दो बार राइट। ये कहाँ का है भाई, मुझे कुछ आइडिया नहीं ये कहाँ का है। और कुछ है क्या यहाँ पर? कुछ बुक्स पड़ी हुई है, इसे हम हटा सकते हैं। इसके नीचे सीक्रेट रास्ता है क्या? ओके गाइस यहाँ पर कुछ सीक्रेट रास्ता है, चलो चलते हैं जल्दी से नीचे। भाई यहाँ से तो विच की आवाज आ रही है नीचे, क्या वो? नो यार ये तो वही रूम है जहाँ पर हम आए थे, मतलब हमारे लिए भागने का एक रास्ता हो गया। ऊपर अगर वो नीचे से आएगी तो हम ऊपर भाग जाएंगे, और ऊपर से तो आ ही नहीं सकती है। यहाँ पर भी एक पेंटिंग का पीस लाकर लगाना पड़ेगा। चलो चलते हैं फिर से नीचे। उसकी आवाज भाई वो जा रही है वहां से। हमें केव फाइंड करनी है, हमने सारे इलाकों तो चेक कर लिया है, अभी तक हमें केव नहीं मिली। कहाँ पर है केव? वो ये रही केव भाई, ये है केव, और यहाँ पर डेंजर बना हुआ है। ठीक है हमें केव मिल चुके हैं, चलो चलते हैं अंदर। और यहाँ पर एक भूल भुलैया बनाई हुई है इस बुढ़िया ने, लेकिन हमारे पास में मैप है। हमें पहले दो बार राइट में जा, नो दो बार राइट में जाना है ना, देख लेते एक बार। ओके गाइस हमें दो बार राइट में जाना है, चलो चलते हैं राइट में।
एक बार और राइट में, अब हमें लेफ्ट में जाना है। चलो चलते हैं लेफ्ट में। अगर ऐसा हम इस मैप के बिना आते ना तो हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाते हैं। और एक बार और जाना है हमें राइट में। तो चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं किसी ना किसी भयंकर जगह पर, और यहाँ पर भी डेंजर वाला साइन बना हुआ है भाई। और सामने डोर है, देखते हैं क्या है। नो यार, इसके ऊपर कोड डालना पड़ेगा हमें, और अभी तक हमें से कुछ मिला नहीं है। चलो इसे यहाँ पर फेंकते हैं, इसका काम तो हो चुका है। ये कोड है क्या? यहाँ पर बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है गाइस। नहीं, कहीं पर कोड होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसे गेम्स में दीवारों पर या ऐसे कुछ लकड़ी के टुकड़ों पर लिखा हुआ होता है कोड। और सामने ये तो वही झाड़ियाँ हैं जिसे हमें कट किया था। मुझे लगता है इस कोड उस तरफ है, और उस तरफ जाने के लिए हमें इसे कट करना पड़ेगा। चलो गाइस जल्दी से अपनी कैंची लेकर आते हैं भाई, हमें फिर से ये करना पड़ेगा यार। दो बार राइट, एक बार लेफ्ट, दो बार राइट। नो यार, डायरेक्ट आ गए भाई, मतलब एक ही बार करना था क्या? चलो चलते हैं जल्दी से, और हमारी कैंची ये पड़ी यहाँ पर, इसे उठाते हैं और फिर से चलते हैं अंदर। भाई वो बुढ़िया ने देख लिया हमें, वो तो अंदर नहीं आ जाएगी ना, उसे पता है क्या रास्ता? भाई उसे रास्ता पता होगा तो हमारे लिए यहाँ पर भागने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। जल्दी से इसे भी ओपन करो, इसे भी ओपन करो। और भाई हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पर कोड लिखा हुआ है 623। ओके गाइस हमें यहाँ से कोड मिल चुका है 623। और कुछ है क्या? इस मशरूम को भी नहीं कट कर सकते यार हम, हमारी किस्मत ही खराब है यार, हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा। और हमारा कोड था 623। भाई मैं बातों बातों में भूल ना जाऊँ, 623। ओके गाइस ओपन हो चुका है। भाई कितनी गुफाएं बना रखी हैं यहाँ पर, एक के बाद एक ओपन होती ही जा रही है। और भाई ये तो पूरा ही अलग यार, यहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई है किसी की, भाई किसी को यहाँ पर बंदी बना कर रखा था ऐसा लग रहा है मुझे तो। मुझे बहुत ही बड़ी क्यों लग रही है मुझे माइंड सा। वो ये क्या है? यहाँ पर एक और हमें पीस मिल चुका है पेंटिंग का। चलो गाइस हमने तीनों पीस कलेक्ट कर लिए, चलते हैं फिर से बाहर। हम बाहर तो आ चुके हैं और विच नहीं है यहाँ पर, तो चलो चलते हैं जल्दी से घर के अंदर। वैसे अभी हमारे पास में दो रास्ते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं। भाई मैं यही बोलने वाला था, अगर वो देख लेंगे ना तो हम ऊपर से भी जा सकते हैं। वैसे वो नीचे से ना आ जाए, वो आ रही है क्या ऊपर? एक बार देखना पड़ेगा हमें, आ सकते हैं क्या ऊपर? ऊपर नहीं आ सकती यार वो। चलो गाइस चलते हैं अंदर, उस पेंटिंग को वहां पर लगाते हैं। कहां पर था वो वाला रास्ता? वो ये रहा। चलो चलते हैं नीचे, भाई वो नीचे से ना जाए बस। नो यार, अगर वो नीचे से भी आएगी ना तो हम ऊपर निकल लेंगे फिर से। और इसे भी हम चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर ओ बना हुआ है, कैसे पैटर्न कहीं ना कहीं पर तो लगेगा। इसे यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर एक एक्स है, एक ओ है, दो में मिल चुके हैं। नो, एक स्क्वायर भी है बुढ़िया के पास में, मतलब एक्स और स्क्वायर हमें तीन तो मिल चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं पर तो लगने वाले हैं। हम चलते हैं फिर से नीचे, और बीच जा रही है सामने से। अबे भाई जैसे मैं निकलता हूँ ना सामने से निकल लेती है ये। और वैसे हमारी सवल कहाँ पर फेंकी थी हमने? उसका यूज होगा अभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डर्ट पड़ी हुई है छोटी छोटी सी, उसके अंदर से भी हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी। यहीं कहीं पर देखी थी मैंने, वो ये रही, इससे हम डिग कर सकते हैं, इसके अंदर से हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। यहीं कहीं पर, यहाँ पर भी कहीं थी ये रही, इसे भी कहते हैं डिग। इसमें भी कुछ नहीं मिला यार, कुछ ना कुछ तो की भी मिलेगी हमें यहाँ से, मुझे पूरा पक्का पता है। हमें स्केरी डोन में भी ऐसा ही किया था, और उसके अंदर से हमें की मिली थी। तुमने वो वाला गेम प्ले नहीं देखा ना तो देख लेना भाई, बहुत ही मस्त था वो। वो तो भाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी, वो छोटी सी दिखती है लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो। यहाँ पर इसके बीच नहीं है, पता नहीं कहाँ पर चली गई वो, वैसे पीछे भी तो चली जाती है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ पर घूमती रहती है। इसे जल्दी से टिक करो। वो गाइस इसके अंदर से भी ब्लू की मिल चुकी है, और भाई यार आ चुकी है इसके बीच, और ये ऊपर ना जाए। ऊपर आएगी क्या ये? ऊपर आएगी क्या ये? भाई ऊपर चलते ही देख लिया उसने हमें, भाई चलो चल 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 भाई ऊपर निकल ले। यहाँ पर तो नहीं आ पाएगी जहां तक मुझे लगता है। भाई यार देख लिया था उसने तो, कहां पर गई ये क्या? भाई कहां पर चली गई बुढ़िया तू? भाई हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो चली जाएगी ना फिर नीचे जाएंगे हम। भाई अब रिक्शा लेने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि इस गेम में हमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है यहाँ से भागने के लिए, अगर पकड़े गए ना तो फिर से रिस्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमें। मुझे लगता है कि चली गई, हम चलते हैं नीचे जल्दी से। चलो चलते हैं जल्दी से नीचे, पर नहीं है ना,
ये तो देख भी नहीं सकते यहाँ पर हम। नो यार देख सकते हैं, चली गई है वो यहाँ से। कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं, छुप के बैठी है ना वो। ओके का यहाँ पर नहीं है। जल्दी जल्दी से इस लॉक को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर ये क्या है। भाई लॉक के अंदर लॉक, यहाँ पर कुछ सोना चांदी है क्या? ओके का ये तो वही पैटर्न है जो हमें उस पेंटिंग में दिखा था। यहाँ पर हमें एक्स डालना है सबसे शुरू। ये रहा एक्स, उसके बाद में ओ, और उसके बाद में स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये रहा। ओके गाइस तो ये ओपन हो चुका है। और अभी नहीं हुआ क्या? ओके गाइस यहाँ से ओपन करना है हमें। इसके अंदर से हमें रेड की मिल चुकी है। चलो चलते हैं जल्दी से नीचे और रेड रूट को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर विच क्राई, ऊपर से चले क्या? नहीं यार यहीं से चलते हैं। डरते हैं क्या हम विच क्राई से? मतलब विच से भाई। चलो गाइस हम नीचे तो आ चुके हैं, वो ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकती है। इसे ओपन करते हैं और इससे भी ओपन करो, और फाइनली हमें यहाँ से रेड वुड मिल चुकी है। और ये ले जाकर हम उसे देते हैं। चलो वो हमें कुछ ना कुछ तो काम का आइटम देगी। भाई अगर हमें पांचों बीज मिल गए ना तो हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर हम किसी से हारने वाले नहीं है। अरे बुढ़िया पीछे देख, इससे हम एक बार सबक सिखा कर चलते हैं। ये ले भाई, पीछे से हमला कर दिया मैंने। आ जा बुढ़िया, मुझे डरा रही थी तू। भाई बुढ़िया हम यहाँ से निकलते हैं, हम निकल सकते हैं ना? रेड वुड तो मिल चुका है हमें। भाई देखते हैं वो हमें आगे क्या बोलती है। भाई वो हमें वापस आते देख कर चौंक चुकी है यार, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम वहाँ से रेड रूट ले आए हैं। भाई ने हमने रेड रूट लाकर ग्रेटर को देती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है। तो चलो इस आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, और आगे क्या होगा ये तो इसके लिए इस पार्ट 3 में ही पता चलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। For them to ask you, do you know me?